बढ़ाना है दिमाग में हर डीलर, ठीक है। समय से वितरण करना है, वितरण प्रतिशत बढ़ाना है। देख लेंगे हम 6 महीना का देख रहे हैं पीछे डाटा कि कौन कितना करता था क्या। तो पहला है कि वितरण प्रतिशत बढ़ाना है। किरासन तेल का दाम 58 रुपया हो गया है, इसका सब लोग प्रचार प्रसार में रहेंगे और किरासन तेल हर डीलर उठाएंगे। आज का 1 मिनट होगा, हम आपसे जिलाकर उसमें मैडम द्वारा भी या डीएम सर द्वारा भी एक निर्देश दिया गया था कि बहुत से ऐसे लंबित राशन कार्ड जो ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कराएं, जिसके लिए विकास मित्र और पंचायत सचिव को ऑथराइज किया गया था डीएम सर की ओर से। उसी को लेके आज शिवसागर और चेनारी प्रखंड के पंचायत सचिव विकास मित्र के और वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी के उपस्थिति में बैठक की गई। बैठक में निर्देश ये दिया गया है कि जो भी राशन कार्ड जो ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं उनको विकास मित्र और पंचायत सचिव के माध्यम से उसको प्राथमिकता के आधार पर जांच कराएं। जो पात्रता रखते हैं उनका राशन कार्ड अवश्य बने, जो अपात्र है उनका रिजेक्ट करें, ताकि ये एक अभियान चला के हम लोग हटा सकें। उसी आलोक में हम लोग फिर डीलर के साथ भी बैठक किए, जो कुछ विभागीय निर्देश भी हैं जिसका प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं डीलर जो कि हमारे राशन वितरण करते हैं, उसमें एक मुद्दा था कि जहाँ पे राशन का उठाव ससमय हो रहा और वितरण पूरी तरह नहीं ज़्यादा या वितरण जिस अनुपात में होना चाहिए हो रहा है, उस आधार पर चेनारी शिवसागर को विशेष निर्देश दिया गया है संबंधित डीएमओ को कि डीलर से माध्यम से 100% कोशिश करें कि अनाज का वितरण लाभुकों को हो। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि किरासन तेल का दाम घट गया है, पहले 85 रुपये था, अभी 58 रुपये हो गया। इसका भी व्यापक प्रचार प्रसार करें और किरासन तेल का उठाव डीलर अवश्य करें, ताकि जो नीडी लोग हैं या जो पहाड़ी एरिया साइड में हैं, चाहे जिनको आवश्यकता है, वो किरासन तेल का उठाव करें और उसका वितरण इंश्योर कराए। इसके अलावा आधार सीडिंग है, प्राथमिकता है, ताकि आधार सीडिंग हर लाभुक का जरूर हो जाए जो भी कार्डधारी हो, ताकि उनका भविष्य में उनका राशन कार्ड डिलीट ना हो जाए या बाकी अन्य सरकारी लाभ से वंचित ना हो जाए। ये सब चीज़ और 3-4 और मुद्दे को लेके एक बैठक अलग अलग शिवसागर चेनारी में किया गया। शिवसागर में और भी है कि जो राशन कार्ड का पात्रता था लगभग 20 से 25 लोगों को राशन कार्ड, जो गरीब लोग थे असहाय लोग थे उनका राशन कार्ड भी वितरण किया गया ऑन स्पॉट। तो ये अभियान चलेगा चूंकि डीएम सर का निर्देश है और इस आधार पर हम लोग प्राथमिकता पे आपूर्ति संबंधी कार्य का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लोग आगे भी ये अभियान करेंगे भी। Gracias.